दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन के सारथी का नाम क्या था? या फिर क्या आपको यह पता है कि रावण की लंका में कितने द्वार थे? क्या आप यह बता सकते हैं कि मेघनाथ जिस देवी की पूजा करता था उनका नाम क्या था? या फिर माता पार्वती के कितने नाम हैं? बने रहिए, इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं धर्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स की जानकारी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बलराम की शादी किससे हुई थी। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि बलराम की पत्नी का नाम रेवती था। वह कई गुना लंबी और चौड़ी थी, जिस कारण से बलदाऊ ने हल से उनको मानवा आकार में छोटा किया था। बलराम और रेवती के दो पुत्र थे, जिनका नाम निषत और उल्मुख था। उनकी एक बेटी भी बताई गई है, जो कि दक्षिण भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित है। अब बात करते हैं कि दुर्योधन के सारथी का नाम क्या था। दोस्तों, महाभारत युद्ध में दुर्योधन का सारथी कर्ण का शाला सत्यसेन था। काशी में स्वयंवर के दौरान दुर्योधन भानुमति को लेकर निकलने लगा तो सभी राजा दुर्योधन के विरोध में खड़े हो गए। तब सत्यसेन ने बड़ी ही सूझबूझ से दुर्योधन का रथ प्रवेश द्वार से निकाल लिया और अंगराज कर्ण ने अपने बाहुबल से सभी राजाओं को वहां रोके रखा। अब बात करते हैं कि रावण की लंका के कितने द्वार थे। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में लंका के चार द्वारों का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम ने वानर सेना सहित लंका को चारों ओर से घेर लिया था, तब उन्होंने चारों द्वार पर आक्रमण करने हेतु अपने सैनिकों का चयन किया। उन्होंने नील को पूर्व द्वार पर, अंगद को दक्षिण द्वार पर, हनुमान जी को पश्चिम द्वार पर तथा स्वयं और लक्ष्मण जी को उत्तर द्वार पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया था। अब बात करते हैं कि मेघनाथ जिस देवी की पूजा करता था उस देवी का नाम क्या था। तो दोस्तों, मेघनाथ अपनी कुल देवी प्रत्यंगिरा की पूजा किया करता था। इनके नाम देवी अपराजिता और देवी निकुंभला भी है। इनका सिर शेर का है और शेष शरीर नारी का है। देवी प्रत्यंगिरा शक्ति स्वरूपा हैं। वे त्रिदेवो और आदि शक्ति की एकीकृत रूप है। नरसिंह और रुद्र अवतार सर्व में हो रहे भीषण युद्ध पर इन्होंने रोक लगाई थी। दोनों के शक्तियों को स्वयं में समाकर देवी ने ही दोनों के क्रोध को शांत किया। इनके कई मंदिर श्रीलंका में आज भी मौजूद हैं। और अब आपको बतलाते हैं कि माता पार्वती जी के कितने नाम हैं। तो दोस्तों, माता पार्वती के कई नाम और रूप हैं। कहते हैं कि उनके 1000 से भी ज्यादा नाम और स्वरूप हैं। माँ का पार्वती नाम सबसे प्रमुख है। शक्ति ने पहले दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया, उन्हें सती नाम मिला। फिर दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमावत की पुत्री बनी, जब पार्वती नाम मिला। फिर उन्होंने ऋषि कात्यायन की पुत्री बनी, तब वह माँ कात्यायनी कहाई। देवी माँ ने बहुत सारे रूप लिए हैं, अनेक नाम हैं इनके, जिनमें पार्वती नाम सबसे प्रमुख है। चलिए आपको माता पार्वती के कुछ प्रमुख नामों की जानकारी दे दें। इनके नाम हैं आदिशक्ति, अपर्णा, अन्नपूर्णा, भवानी, चंडिका, चामुंडा, दुर्गा, दक्षिणी, सती, पार्वती, शिवानी, रुद्राणी, शंकरी, सिंहवाहिनी, महिषासुरमर्दिनी, शिवा, महादेवी, काली, महाकाली, शीतला, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, शैलपुत्री, सिद्धिदात्री, गौरी, उमा, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, हिमावती, स्कंद माता, गणेश जननी, शिव पठरानी, भैरवी, कौशिकी, कात्यायनी, सांभवी, महेश्वरी, परमेश्वरी इत्यादि। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार और मत हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।